नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के भारतीय बिजनेसमैन को लेकर दिए गए बयान के बाद उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रचंड ने बुधवार को एक बुक लॉन्च इवेंट के दौरान कहा था कि भारतीय बिजनेसमैन सरदार प्रीतम सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री बनवाने की कोशिश की थी। प्रचंड ने कहा, मुझे पीएम बनाने के लिए सिंह ने कई बार दिल्ली का दौरा किया था और काठमांडू में कई नेताओं के साथ बैठक की थी। उनके इस बयान को वहां की विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के मामलों में भारत के दखल के तौर पर पेश कर रही है। CPN-UML के गठबंधन वाली नेपाल की विपक्षी पार्टी ने प्रचंड के बयान का मुद्दा वहां की संसद में भी उठाया। इसके चलते कई बार संसद की कार्रवाई बाधित हुई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और CPN-UML के चेयरमैन KP शर्मा ओली ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रचंड के बयान ने नेपाल के सम्मान और आज़ादी को गहरी चोट पहुंचाई है। वहीं विपक्षी पार्टी UML के सांसद रघुजी पंत ने संसद में कहा, हमें दिल्ली से चुना गया प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री प्रचंड ने भारतीय बिजनेसमैन सरदार प्रीतम सिंह को लेकर दिए बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा, हंगामा करने के लिए मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। प्रचंड ने कहा, मैं अपने बयान के जरिए सिर्फ ये बताना चाहता था कि सरदार प्रीतम सिंह सिर्फ सोशल सर्विस और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में ही दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि वो राजनीति में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। प्रचंड ने जिस भारतीय बिजनेसमैन सरदार प्रीतम सिंह का जिक्र अपने बयान में किया, उन्हें नेपाल में ट्रांसपोर्ट के तरीकों में बड़ा बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। सिंह पहली बार 1958 में अपने दोस्त की बहन की शादी अटेंड करने के लिए नेपाल गए थे। तब वो एविएशन की पढ़ाई करने वाले एक टीनेजर थे। इसी दौरान उन्हें वहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने का आइडिया आया। नेपाल में वो दौर था जब वहाँ रोड बननी शुरू हुई थी, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों का चलन शुरू हुआ था। पहली बार काठमांडू जाने के ठीक एक साल बाद 1949 में प्रीतम सिंह 3 ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर के साथ लौटे और वहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। 1960 के दशक में जब नेपाल में सूखा पड़ा तो प्रीतम सिंह ने लोगों की मदद करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने खाना सप्लाई करने के लिए अपने 150 ट्रक दिए। उन्हें काम से खुश होकर नेपाल के राजा ने उन्हें 5,000 रुपये की बख्शिश दी थी।